नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुजरात मामले में आज उनको फिर से एक तगड़ा झटका लगा है। जी हां, मोदी की डिग्री के मांगने वाला जो मामला गुजरात के अंदर चल रहा था, उसमें आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज तगड़ा झटका लगा है। तगड़ा झटका ये लगा है कि गुजरात कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आज उन्हें एक बार फिर से उनके मामले को लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप बार बार इस तरीके की चीजें करते हैं, बार बार इस कोर्ट से उस कोर्ट भटक रहे हैं, आप जाके पेश क्यों नहीं हो जाते हैं। तो ये जो मामला था, उन्होंने आज जो गुजरात हाई कोर्ट था, उसने पूरी तरीके से आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बुरी तरीके से लताड़ लगाई और उनके मामले को सुनने से ही इनकार कर दिया। गुजरात का मामला आखिर ये क्यों चल रहा है और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी गुजरात के अंदर आखिर कोर्ट के अंदर फिजिकली अपियर क्यों नहीं होना चाहती है, क्यों डर रही है? इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं गुजरात के अंदर उन्हें जेल के अंदर ना डाल दिया जाए, क्योंकि गुजरात में, गुजरात भी एक स्टेट है, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब के अंदर लोगों के साथ अन्याय कर रही है और जबरन लोगों को उठाकर बिना वारंट के, बिना किसी सूचना के, पूर्व सूचना के, बड़े बड़ी जो हस्तियां हैं कांग्रेस के, जो नेता हैं, उनको उठाकर सीधा जेल में डाल दिया जा रहा है। तो यही जो कहानी है, हो सकता है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के साथ गुजरात के अंदर भी दोहराई जा सकती है। गुजरात में, क्योंकि गुजरात भी एक स्टेट है और वहां पर भी बहुत ज्यादा, वहां पे जो ज्यादातर मोदी के, नरेंद्र मोदी के लिए लोग ज्यादा वो रहते हैं, पजेसिव हैं, और वो ये बहुत बुरा मानते हैं कि कोई भी आदमी उनके जो नेता रहे, कभी मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, नरेंद्र मोदी, उन पर कोई इस तरीके की टिप्पणी करे, इस तरीके के कोई आक्षेप लगाए। और पूरी गुजरात की जनता भी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है, नरेंद्र मोदी को। यही कारण है कि क्योंकि वो एक स्टेट है और वहां पर जिसकी चलेगी, जिस तरीके से पंजाब में ये लोग मनमानी करते हैं, तो हो सकता है गुजरात में भी मनमानी की जाए। और यही कारण है कि जो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह है, उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं कोर्ट उठाकर उन्हें जेल ना भेज दे, और इसके इसके डर के चलते वो लगातार इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट भटकते घूम रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उनको राहत नहीं मिल रही है। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ जब मोदी की डिग्री मामले में समन भेजा गया, उसके बाद से अभी तक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उनके ऊपर एक बार 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी उस अदालत में अभी तक, उस कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए हैं। इसके बाद वो सेशन कोर्ट चले गए सीधे। सेशन कोर्ट में भी उनके मामले को सुनने से इनकार कर दिया, उन्हें फटकार लगाई और उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको, उनको, उनके लिए ये साफ इनकार कर दिया कि आप संबंधित अदालत में जाइए, वहीं पर आपका फैसला होगा, इस तरीके से हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आउट ऑफ रूल है। तो वापस फिर भाग के वो दोबारा कोर्ट पहुंचे हैं और पिछले हफ्ते भी उनकी एक याचिका को कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो फिर हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में पहुंच गए और गुजरात हाई कोर्ट ने आज, जो गुजरात हाई कोर्ट की जो बेंच थी समीर दवे की, जस्टिस समीर दवे की, उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को तगड़ी फटकार लगाई और यह कहते हुए उनके मामले को सुनने से इनकार कर दिया कि आप बार बार इस कोर्ट से उस कोर्ट जा रहे हैं, आपको, जबकि जो संबंधित कोर्ट है, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है, आपको वहीं पर जाना चाहिए, वहीं से आपको, आप वहां पर फिजिकली अपीयर होइए, जैसा कोर्ट कहती है, अपनी बात रखिए और इसके बाद देखी जाए, ये जो होगा आप कीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल
सिर्फ उसी कोर्ट में जाने से बहुत घबरा रहे हैं और दोनों ही नेता भागते घूम रहे हैं। दरअसल है क्या कि जब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह हर मंच से अपने भाषणों में चौथी फेल राजा और नरेंद्र मोदी को अनपढ़ गवार बता रहे थे और तरह तरह की उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे, तो तब उसी वक्त गुजरात विश्वविद्यालय ने ये कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी की डिग्री यहाँ पर है। इसके बाद भी ये दोनों नेता रुके नहीं और लगातार अपने चुनावी भाषणों में या फिर दूसरी जगह के सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या जहां पर उनको बोलना होता था उनमें फिर से उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी के ऊपर ही उंगलियां उठानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी आखिर अगर इतनी ही सच्ची है, झूठी है, सच्ची है, तो उनकी डिग्री को ऑनलाइन डिग्री को क्यों नहीं दिखा देती है। तो इसके बाद जो गुजरात विश्वविद्यालय था वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया, पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया और ये बता दिया गया कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, यहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन और एमए कंप्लीट किया है, इसलिए जो भी इसको देखना चाहता है वो पब्लिक डोमेन में आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब पब्लिक डोमेन में उनकी डिग्री आ गई, इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह लगातार प्रधानमंत्री को अनपढ़ गवार और चौथी फेल राजा ही कहते रहे, जिससे परेशान होकर गुजरात यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं पीयूष पटेल, उन्होंने इस पूरे मामले को कोर्ट के अंदर उठाया और जो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह थे उन पर मानहानि का केस कर दिया। इस केस के बाद जब ये पूरा ट्रायल चला और वहां की जो एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ सम्मन जारी कर दिए। लेकिन ये दोनों ही लोग इस कदर गुजरात जाने से डर रहे थे कि ये गुजरात नहीं गए और इन्होंने वहां से बार बार फिजिकली जो वहां पेश होने की बात थी वो वहां पर नहीं हो रहे थे। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन ये दोनों ही नेता इस तरीके इस कदर डरे हुए हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से तो घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये दोनों ही नेता अभी तक जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है जहां से इनके खिलाफ सम्मन जारी हुआ था वहां पर फिजिकली अपियर नहीं हुए हैं। हालांकि जो जस्टिस समीर दवे की जो बेंच है उन्होंने इनके मामले को सूचीबद्ध तो कर लिया है और अगले हफ्ते सुनने के लिए कहा है कि इनका मामला देखेंगे, अगर अगले हो सकेगा तो अगले हफ्ते सुन सकते हैं। लेकिन इनको इस बात के लिए फटकार भी लगाई कि आप चाहे कहीं भी जाइए आपको लास्ट में फिजिकली अपियर होना ही पड़ेगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ और आपको उसी अदालत से राहत मिलेगी, बाकी कहीं से कुछ नहीं होगा। यानी कि सीधे सीधे इन्हें बता दिया गया कि आप जितना मर्जी दौड़ लीजिए आपको राहत मिलने वाली नहीं है और आपको लास्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही अपियर होना पड़ेगा। ये दोनों नेता इतने घाग हैं, इस कदर ये कहा जाए कि इनके ये जिस तरीके से बताते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, ये बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है शायद, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से ये बोलते हैं, आज भी लगता है कि ये कहीं गई गली मोहल्लों में लाउडर स्पीकर जो लटकाकर नेता जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये उसी तरीके की भाषा का आज भी प्रयोग करते हैं और किसी भी तरीके से किसी भी नेता पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं। कांग्रेस की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ इन्होंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें दिखाई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये एक FIR दर्ज नहीं करवा पाए उनके ऊपर। इसके अलावा हर आदमी की फाइलें इनके पास हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो वहां पर ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं और ना इन्होंने आज तक किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज किया है। जबकि हुआ ये है कि सत्ता में आने के बाद उल्टा इन पर बहुत सारे केस दर्ज हो गए हैं, जिसमें कि इनका एक मिनिस्टर जो है, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, उनको जमानत ही नहीं मिल पा रही है, वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर है। जो इनके कट्टर ईमानदार
शहीद भगत सिंह के वंशज जो थे, जो जिन्होंने दुनिया बदल दी थी, जो कहा जाए कि भारत रत्न थे मनीष सिसोदिया, उनको शराब घोटाले में अभी तक कहीं से जमानत नहीं मिल रही है। इसके अलावा अब शीश महल का मामला भी इन पर चल निकला है। अभी पंजाब के मामलों में भी ये फंसने वाले हैं। पंजाब के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने इनको आड़े हाथों लिया, इनसे हिसाब मांग लिया है। वहां पर भी ये भ्रष्टाचार के मामले में फंसे, लेकिन इनको शर्म इनको आती नहीं है। ये इतने बेशरम हो चुके हैं कि ये किसी भी तरीके से किसी अदालत में इसलिए नहीं जाना चाहते, खास तौर पे गुजरात के अंदर ये इसलिए बचाव कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि गुजरात में अदालत इनको हो सकता है जेल भेज दे, जहां से इनका बच पाना निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वहां पर इनके इनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, जेल इनको भेजा जा सकता है, ये डर इन्हें सता रहा है। और ऐसा हो भी सकता है तभी ये दोनों नेता फिजिकली वहां पर पेश होने से घबरा रहे हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।